गुड मॉर्निंग, वीडियो जो देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सरकार, एक खास खबर जो व्हाट्सएप वायरल चल रहा है अभी, एक्सक्लूजन ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम द सिलेबस ऑफ द सीए फाइनल। सर, ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स इनडायरेक्ट सीए फाइनल से आपके सिलेबस से एक्सक्लूड हुए। हर बार कुछ ना कुछ इंक्लूड ही होता है, पहली बार क्या हो रहा है एक्सक्लूड। तो सरकार इतनी खुशी कि सर सबसे पहला जो लोग वीडियो क्लासेस पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं वो लोग सबसे पहले ये सोच रहे हैं सर हमको पहले बताओ कि क्या क्या हमको नहीं पढ़ना है, क्लियर। और जिनकी क्लासेस रनिंग है, वीडियो क्लासेस देख रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं सर अभी पहले हमको बताओ कि हम क्या क्या नहीं पढ़ रहे। पढ़ना छोड़ दिया अभी तो सर, हो सकता है जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कोर्स से हट गया हो। तो सर क्या क्या टॉपिक्स एक्सक्लूड हुए, ये स्लाइड आप देखिए, ये आपको व्हाट्सएप पे मिला होगा। सर फाइनल न्यू कोर्स के लिए अनाउंसमेंट बोर्ड ऑफ स्टडीज का, ICAI ने अनाउंसमेंट दिया है कि सर मॉडिफिकेशन इन द स्कोप ऑफ सिलेबस ऑफ द सेलेक्ट सब्जेक्ट्स, क्लियर। इसमें हम बात करें अगर इनडायरेक्ट टैक्स को लेके, तो सर सबसे पहली बात इनडायरेक्ट टैक्स सीए फाइनल, ये आपने देखा होगा। सर खास बात यहां देखो एफटीपी जहां लिखा हुआ है, क्लियर, वहां पे वन लिखा है और वन लिखे नीचे लिखा है सर दीज एक्सक्लूजन्स आर रिलेवेंट फॉर फाइनल ओल्ड पेपर एट इनडायरेक्ट टैक्स लॉज ऑल्सो। मतलब आप ओल्ड सिलेबस में हो या न्यू सिलेबस में हो, कंटेंट एब्सोल्युटली सेम है। और जो न्यू सिलेबस के लिए एक्सक्लूड हुआ है वही ओल्ड सिलेबस के लिए भी एक्सक्लूड हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं आपसे, क्लियर। तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपको ये टॉपिक्स मिले होंगे, ये आपने देखा होगा कि कस्टम्स के कई सारे टॉपिक्स एक्सक्लूड हो गए आपके सिलेबस में से। सर अब आपके माइंड में पॉइंट आता है कि सर ये टॉपिक्स हमारी बुक में कौन कौन से चैप्टर्स है या कौन कौन से टॉपिक्स है, क्योंकि इट्स नॉट एसेंशियल कि जो ICAI का मटेरियल है, ICAI का जो सर्कुलर आया है, ये जो गाइडलाइन आई है, उसी सीक्वेंस में हमारा चैप्टर्स हो। तो आपके माइंड में डेफिनेटली एक पॉइंट आया होगा कि सर हमारी बुक से कौन कौन से चैप्टर्स एक्सक्लूड हो गए, कौन कौन से टॉपिक्स एक्सक्लूड हो गए। सर देखना ध्यान से, अगर आपके पास ये नया वाला बुक है 18th एडिशन, क्लियर, तो इसके चैप्टर्स मैं आपको बोल रहा हूं। और अगर आपके पास इससे पहले वाला बुक है 17th एडिशन, क्लियर, तो ध्यान रखना कस्टम्स के चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, पर सीरियल नंबर ऑफ द चैप्टर्स एक चैप्टर मैंने इसमें से कम कर दिया है, क्योंकि पहले चैप्टर नंबर 11 जो था जीएसटी के अंदर रेट ऑफ टैक्स, मैंने कल नाम देके लिखा था ये चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया, अब मैंने उस चैप्टर का नंबर ही नहीं डाला। तो क्या हो गया, टोटल जो पहले चैप्टर्स थे, क्लियर, टोटल जो पहले चैप्टर्स थे वो थे 41 चैप्टर्स, अब इस बुक में हो गए टोटल 40 चैप्टर्स, क्लियर। ध्यान रखना आप अपना इंडेक्स देख लीजिए, आपके पास जो भी बुक है 18th एडिशन है, तो चैप्टर नंबर फॉर एग्जांपल कस्टम्स की अगर मैं बात करूंगा तो कस्टम्स का चैप्टर नंबर 25 से शुरू हो रहा है टॉपिक, चैप्टर 25 से शुरू हो रहा है कस्टम्स वॉल्यूम 3 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्लियर, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज वॉल्यूम नंबर 3 उसकी बात कर रहा हूं मैं, अपनी जो बुक है चैप्टर नंबर 25 से कस्टम्स शुरू हो रहा है। पर अगर आपके पास इससे पहले वाला बुक है 17th एडिशन है, तो आपके लिए चैप्टर नंबर 26 से शुरू हो रहा होगा क्या कस्टम्स, वहां एक चैप्टर एक्स्ट्रा था जीएसटी के अंदर, इसलिए, क्लियर, वो भी रेट ऑफ टैक्स का केवल नाम दिया था, चैप्टर नंबर दिया था केवल और कुछ नहीं दिया था। सर तो कस्टम्स में 17th एडिशन जिनके पास है उनके लिए चैप्टर नंबर 26 से शुरू हो रहा है क्या कस्टम्स, और यहां चैप्टर नंबर 25 से शुरू हो रहा है इस बुक के अंदर, अगर 18th एडिशन लेटेस्ट बुक अगर आपके पास है तो, क्लियर। सर जो टॉपिक एक्सक्लूड हुए मैं इस चैप्टर इस बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर बोलूंगा, इस बुक के हिसाब से जिनके पास इससे पहले वाला बुक है 17th एडिशन वॉल्यूम नंबर 3 जिनके पास है वो एक चैप्टर नंबर कम कर देना, वैसे मैं चैप्टर का नाम ही बोलूंगा आपके लिए, कोई इशू नहीं है। सबसे पहला मैं अब ये जो ICAI ने टॉपिक्स एक्सक्लूड किए हैं यहां से, क्लियर, मैं इसकी सीक्वेंस से बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बुक के इंडेक्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, क्लियर। तो यहां पे जो भी टॉपिक्स है मैंने बुक में मार्क कर लिया आपके लिए, क्लियर। तो सर ये सारे टॉपिक मैं आपसे बुक के लिंक कर रहा हूं, और सर वो टॉपिक्स कौन से देखना ध्यान से, इसको हटाओ स्लाइड को भी आप। अब यहां देखो सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें से कुछ एक्सक्लूड नहीं हुआ है, सेकेंड चैप्टर जनरल प्रोविजन अंडर कस्टम्स एक्ट 1962 आपको मिला होगा, क्लियर, इसमें फर्स्ट चार पेज आप आइए मैं बताता हूं आपको जहां से ये चैप्टर शुरू हो रहा है, इस वाली बुक में है चैप्टर नंबर 26, 17th एडिशन या उससे पहले वाली बुक अगर आपके पास है तो होगा चैप्टर नंबर 27 आपका, ओके। सर सेक्शन 3 शुरू हो रहा है, सर देखिए आप क्लास ऑफ ऑफिसर्स ऑफ कस्टम मिला आपको, सर ये पूरा पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पेज, ये चार पेज आपके टॉपिक से एक्सक्लूड हो गए। सर सेक्शन नंबर 11H to 11M मिला होगा सर आपको, ये लास्ट टॉपिक एक्सक्लूड हुआ है, इसके बाद सेक्शन 12 शुरू हो रहा है, सेक्शन नंबर
12 शुरू हो रहा है, वहां से आपके सिलेबस में टॉपिक्स आ रहे हैं। क्लियर? तो सर ये जो टॉपिक्स थे यहां तक के बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं थे, इसलिए आईसीएआई ने देखा कि सर देयर इज नो सेंस ऑफ आस्किंग इन द एग्जाम्स, इसलिए सिलेबस से उन्होंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। सेक्शन नंबर 12 से लेके ये चैप्टर जहां एंड हो रहा है वो सारे टॉपिक्स एप्लीकेबल है। आई रिपीट, चैप्टर नंबर 26 जो इस बुक का है, 27 इससे पहले वाली बुक्स में था, जनरल प्रोविजंस अंडर कस्टम्स एक्ट 1962। क्लियर? स्टार्टिंग से लेके जहां सेक्शन 12 शुरू हो रहा है उससे ऊपर तक आपको एक्सक्लूड करना है, टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्लियर सर? नेक्स्ट चैप्टर इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली बातें तो आना ही आना है सर। देन आपको पूरा चैप्टर मिला हुआ है, कौन सा, वेयरहाउसिंग अंडर कस्टम्स। सर ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 30 होगा और इस वाली बुक में चैप्टर नंबर 29। वेयरहाउसिंग का पूरा चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया आपके सिलेबस से, आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है एग्जामिनेशन पर्पज के लिए इसको। ओके पूरा चैप्टर आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा, इंडेक्स में ही काट दीजिए सर। लोग तो क्या कर रहे, एक एक पेज काट रहे हैं बुक का, सर मतलब गुस्सा होता रहा ऐसा लग रहा है सर। सर लगभग लगभग हम बात करेंगे आगे के सब पेज मिला के तो लगभग 90-100 पेज एक्सक्लूड हो गए सर, 90-100 पेज कम हो गए सर आपके लिए। ओके नेक्स्ट आ रहा चैप्टर नंबर 30 ड्यूटी ड्रॉबैक। क्लियर? पूरा कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका बैगेज, पोस्टल आर्टिकल्स, स्टोर्स एंड कोस्टल गुड्स। तो जो लास्ट वाला पॉइंट है सर कोस्टल गुड्स, ये एक्सक्लूड हुआ है आपके सिलेबस से, तो इंडेक्स में आप कोस्टल गुड्स को मार्क कर लो और मैं आपको चैप्टर के अंदर ले जाता हूं। आपका जो भी चैप्टर नंबर 31 इस बुक में 31 है, पुरानी वाली बुक में 32 होगा, उसमें लास्ट पेज पे आइए इस चैप्टर के। मैं पेज नंबर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इस बुक का पेज नंबर अलग होगा, आपकी वाली बुक जो होगी उसमें पेज नंबर अलग है सर। सर आपको मिला होगा टॉपिक कोस्टल गुड्स का सेक्शन 91-99 मिला आपको सर। क्लियर? ये सर एक पेज का टॉपिक है, एक्सक्लूड हो गया। बहुत सारे लोग तो दुख मना रहे सर एक पेज का टॉपिक था। क्लियर है सर? एक्सक्लूड हो गया है टॉपिक। ओके कोस्टल गुड्स सेक्शन 91 से 99 का हेडिंग मिला होगा आपको सर। ये पूरा टॉपिक का हटा दो आप, ये पूरा टॉपिक हट जाएगा सिलेबस आपके। ओके देन चैप्टर नंबर 32 जो क्लासिफिकेशन गुड्स है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर, एब्सोल्युटली इट्स देयर इन द सिलेबस, कोई चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें से। हाँ नेक्स्ट चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है, कौन सा, सर्च सीजर कॉन्फिस्केशन एंड मिसलिनियस प्रोविजंस। दिल थाम के बैठेगा, पूरा चैप्टर एक्सक्लूड हो गया है केवल एक टॉपिक को छोड़ के जो 2-3 पेज का है। क्लियर? अब तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो एक टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। इस चैप्टर के एंड में देखिए आप, एक टॉपिक आपको मिलेगा कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे कस्टम्स लगता है सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर, वो एक टॉपिक दिया है आप देखो। सेकंड लास्ट टॉपिक होगा सर इस वाली बुक में, पेज नंबर 930 है। क्लियर? आपके पास जो पुरानी बुक है उसमें हो सकता है कुछ और पेज नंबर हो। लास्ट फोर्थ या फिफ्थ पेज है सर, हेडिंग मिला होगा कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017 मिला आपको सर। आई रिपीट, कस्टम्स ब्रैकेट में इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017, केवल ये टॉपिक आपके सिलेबस में है इस चैप्टर में से, अदरवाइज इस पूरे चैप्टर को एक्सक्लूड कर दिया। ये टॉपिक है 3 पेज का आपका सर, लगभग 3 पेज का टॉपिक है सर ये। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग मिल रहा होगा आपको ऑब्लिगेशन टू फर्निश रिटर्न, मिला क्या सर आपको ऑब्लिगेशन टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, वहां से अगेन काट देना बेटा बस। मतलब ये 3 पेज का टॉपिक आपके कोर्स में है, बाकी इस पूरे चैप्टर को एक्सक्लूड कर दिया आपके कोर्स से। क्लियर? सर्च सीजर कॉन्फिस्केशन एंड मिसलिनियस प्रोविजन वाला चैप्टर पूरा एक्सक्लूड हो गया एक्सेप्ट कस्टम्स। क्लियर? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017 इसको छोड़ के सर। क्लियर? ओके सर अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 34 ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन, पूरा चैप्टर एक्सक्लूड, पूरा चैप्टर आपके कोर्स से हटा दिया गया है ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन। सर लोगों की खुशी का अंदाजा नहीं लग रहा है इधर तो, सर इतनी खुशी। सर जल्दी बताओ नेक्स्ट क्या हटा है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए आपको मिला होगा एग्जिमिशन रिकवरी डिमांड्स एंड रिफंड। सुनो बच्चों, इसमें से एग्जिमिशन वाला टॉपिक एप्लीकेबल है, रिफंड वाला टॉपिक एप्लीकेबल है, डिमांड एंड रिकवरी, डिमांड एंड रिकवरी वाला टॉपिक एक्सक्लूड हुआ है। अब मैं इसमें पेज नंबर
हम आज के चैप्टर में हम टॉपिक बताता हूं को ये पढ़ना है, ये बाकी नहीं पढ़ना है, क्लियर। तो हेडिंग में आपने क्या मार्क कर लिया, एग्जम्पशन एप्लीकेबल, रिफंड्स एप्लीकेबल, रिकवरी और डिमांड एक्सक्लूडेड, क्लियर। आप चैप्टर ओपन करिए, फर्स्ट पेज पे आओ चैप्टर के, आए फर्स्ट पेज पे सर, फर्स्ट पेज पे सेक्शन रेफरेंस दे रखा है, छोड़ो उसको, आप पॉइंट देखिए, फर्स्ट टॉपिक है एग्जम्पशन वाला, मिला गया सर आपको, सेक्शन में 25 कस्टम्स, ये एप्लीकेबल है, क्लियर। ये एक पेज के सर, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक डिमांड ऑफ ड्यूटीज, सेक्शन नंबर 28 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 मिला होगा सर आपको, पूरा एक्सक्लूड। अब सर तो यहां से कट करना चालू करो, नेक्स्ट पेज पूरा काट दो, नेक्स्ट पेज पूरा काट दो, फोर्थ पेज भी काट दो, फिफ्थ पेज भी काट दो, फिर आपको नेक्स्ट हेडिंग मिल रही होगी ऑडिट, सेक्शन नंबर 99A उड़ा दो, ये टॉपिक भी हटा दो सर, हटा दिया आपने। फिर आपको नेक्स्ट हेडिंग मिला होगा कौन सा, सेक्शन नंबर 28AA ऑफ द कस्टम्स एक्ट मिला आपको, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट काट दो, उसके बाद आपको चार्ट फॉर्म में पेनल्टी मिला होगा सर, ये भी पूरा उड़ा दो सर, उड़ा दिया। फिर नेक्स्ट पेज पूरा काट दो, काटते जाओ सर। नेक्स्ट मिला होगा रिकवरी टॉपिक, मिला गया, उड़ाओ पूरा पेज, मतलब जब तक नया टॉपिक नहीं आ रहा था तो काटते जाओ, इतनी खुशी वापस नहीं मिलेगी, बार बार ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन में 28AAA मिला होगा सर आपको, उड़ाओ बस बस, आगे मत उड़ाना, लोग तो हाथ चले जा रहे भाई, देखो सर रिदम बन गई सर, अब मत रोको प्लीज सर आप। तो सेक्शन में 28AAA रिकवरी ऑफ ड्यूटीज इन सर्टेन केसेस, ये हट गया टॉपिक। देन नेक्स्ट आपको हेडिंग मिला होगा डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, नेक्स्ट हेडिंग है रिफंड, ये एप्लीकेबल है बच्चों, क्लियर। छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, क्लियर। इसके जो तीन चार पेज है ये रहने दो। नेक्स्ट अगेन हेडिंग देखो सर, सेक्शन में 28A मिला होगा, पावर नोट टू रिकवर ड्यूटी नोट लेविड एज अ जनरल प्रैक्टिस, उड़ाओ ये पूरा, इसके नीचे वाला टॉपिक भी हटाओ, नेक्स्ट टॉपिक भी हटाओ, नेक्स्ट टॉपिक भी हटा दो, मतलब 28A भी हट गया, 28B भी हट गया, 28BA भी हट गया और 153B भी हट गया, पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन तक कट गया बेटा। फिर लास्ट में तीन छोटे सेक्शन और मिलेंगे आपको सर, 28C, 28D और सेक्शन नंबर 12C, ये रहने दो सर, ये ठीक है, कोई खास बात नहीं, हम पढ़ेंगे सर इनको, क्लियर। अच्छा फिर जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद केस लॉज वगैरह शुरू हो रहा है सर, तो जो केस लॉज वगैरह आपके डिमांड रिकवरी से रिलेटेड सब हट जाएंगे सर आपके, क्लियर। तो कुल मिलाकर ये चार पांच पेज ही इस चैप्टर के एप्लीकेबल है, अदरवाइज पूरा चैप्टर क्या हो गया है, खत्म। ओके सर, अब सर अगले चैप्टर पे आइए, चैप्टर अपील्स एंड रिवीजन मिला होगा सर आपको, पूरा चैप्टर एक्सक्लूड, पूरा चैप्टर, लोग तो सोच रहे एक बार वापस बोलो सर आप सर। अपील्स एंड रिवीजन पूरा एक्सक्लूड हो गया आपके सिलेबस से, नहीं पढ़ना है सर, और आपके हाथ को मत रोकना क्योंकि अगला चैप्टर भी कट गया है पूरा, एडवांस रूलिंग एंड सेटलमेंट ऑफ केसेस, पूरा चैप्टर गो गोवा गॉन सर, ये पूरा चैप्टर एडवांस रूलिंग एंड सेटलमेंट केस, ये भी पूरा आपके सिलेबस से एक्सक्लूड हो गया है, दिस ऑल टॉपिक्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ द CA फाइनल न्यू सिलेबस एज वेल एज ओल्ड सिलेबस फॉर नवंबर 19 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स, क्लियर। सर ध्यान रखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते थे, ये बोलते थे सर कि वो प्रोसेसर पार्ट है, पेनल्टीज वगैरह है, क्लियर सर, ये सब असेसमेंट प्रोसेसर की बातें थे, कस्टम्स की लगभग वो सब उड़ा दी सर, हाँ है ना, लगभग वो सब उड़ गया है, क्लियर। नीड नॉट वरी, पर सर ये सारे लगभग लगभग सेम टॉपिक GST में आएंगे, जो टॉपिक एक्सक्लूड हुए ना सर, एब्सोल्युटली लगभग लगभग सेम टॉपिक कहाँ है बेटा, GST में है, तो GST के ये सेम टॉपिक तो आपको पढ़ने हैं, हाँ है ना, क्लियर। जैसे अपील एंड रिवीजन है बेटा, तो जो टॉपिक कस्टम में था लगभग लगभग अपील के सिस्टम लगभग वही थे कहाँ पे, GST में, तो वो तो GST के पढ़ने हैं, हमको पढ़ना है, वहां से कोई टॉपिक एक्सक्लूड नहीं हुआ है, हाँ है ना। पर कस्टम्स के एटलीस्ट ये पेज जो थे आपके लगभग 90 पेज कराउंड होंगे सर, ये आपके सिलेबस 90 से 100 के बीच में ये आपके सिलेबस से हट गए हैं, फ्रॉम नवंबर 19 एग्जामिनेशन CA फाइनल ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस कोई भी हो सर, क्लियर। सर अब ध्यान रखना, ICAI जब आपको इतनी फैसिलिटी दे रहा है
क्लियर? तो आपसे उम्मीद करता है कि आप अच्छे से पढ़े जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। क्लियर? तो सर कस्टम से ये टॉपिक एक्सक्लूड हो गए, पर हाँ जो मेजर टॉपिक था ना कस्टम के सर, वो तो अभी भी है। जैसे सर वैल्यूएशन हो गया, जनरल प्रोविजन अंडर कस्टम्स हो गया, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज हो गया, मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे बनते थे हमेशा एग्जाम्स में। क्लियर? वो तो अभी भी आपके कोर्स में है। क्लियर? ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे टॉपिक्स है सर, उनको अच्छे से पढ़ना आपको। क्लियर? कस्टम्स प्लस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मिला के 25 मार्क का आता है। ओके सर, तो स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ो। क्लियर? कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे को फोन आ रहे थे, कई सारे स्टूडेंट्स के एसएमएस आ रहे, मेल आ रहे, सर जल्दी से आप हमको बताओ हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स आपके सिलेबस से एक्सक्लूड हो गए हैं। क्लियर? जिनके पास ये नए लेक्चर्स आएंगे रिकॉर्ड होके, उनको तो ये टॉपिक्स वैसे भी लेक्चर में नहीं मिलेंगे, पर जिन्होंने पुराना पेन ड्राइव वगैरह परचेज किया था या पुराना लेक्चर पढ़ लिया है मेरे से, उन्होंने ये टॉपिक पढ़े होंगे। सो प्लीज आपके रिविजन पार्ट से इसको हटा देना, अभी आपको एग्जामिनेशन पर्पज के लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है। सो अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच, गुड लक, थैंक यू।